वेलकम बैक। विचारथी विकास सुधी पहोंचेली वाइब्रंट समिट के जेनी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्रीए करी हती अने जे आजे देश विदेशना रोकाणकर्ताओ माटे ए लाहवो समान बनी चूकी छे, त्यारे प्रधानमंत्री मोदी तेमनी 20 वर्षनी उजवणीना साक्षी बन्या। 2003 शुरू થયેલા વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટના આ સિલસિલાને આજે 20 વર્ષ પૂર્ણ થતા અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે સમિટ ઓફ સક્સેસની ઉજવણી કરવામાં આવી, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે આ રોકાવાનો સમય નથી, આગામી 20 વર્ષ વધુ મહત્વપૂર્ણ છે। વાયબ્રન્ટ ગુજરાત કી સફળતા કી ચર્ચા કે બીચ મે યે ભી કહુંગા કે રુકને કા સમય નહીં હૈ। पिछले 20 वर्षों से अगले 20 वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। अखास प्रसंगे वाइब्रंट गुजरात ने 20 वर्ष ने सफर ने डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करवामां आवी, जेमां 2003 थी अत्यार सुधीनी गाथा रजू कराई, तो अत्याधुनिक रोबोट्स विषे पण माहिती आपवामां आवी, ज्यां प्रधानमंत्री मोदीए अत्याधुनिक रोबोट्स विषे पण माहिती मेळवी। तो साथी खेतीकाममां वपराता ड्रोन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में वपराता यंत्रों ने निहाळ्या अने साइंस सिटी ना टेक्निशियन साथे वात करी यंत्रों की खासियतो जाणी, जेना पर थी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पीएम मोदी की उत्सुकता जोई शकाय छे। आज देश विदेश ना लोको गुजरात में रोकाण करवा तत्पर छे अने गुजरात देश की अर्थव्यवस्था में मोटो भाग भजवी रह्यो छे। तेने लईने प्रधानमंत्री मोदी अमदावाद की भूमि पर थी कह्युं, आगामी थोड़ाक वर्षो में भारत दुनिया की त्रीजा नंबर की अर्थव्यवस्था बनशे। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। आम प्रधानमंत्री ने आज की आ मुलाकात तमाम उद्योग साहसिकों थी लई विद्यार्थियों के जे आगामी भविष्य में गुजरात की अर्थव्यवस्था में योगदान अपना छे, ते तमाम माटे खूब ज प्रेरणादायी साबित थई। तो बुलेटिन में हाल रोकाईशु एक ब्रेक माटे, आप जो तरफो न्यूज 18 गुजराती। सुहाना मसाले के नादरौल में गांधी चौक नजीक पुलिस नो काफलो जोता आरोपी पुलिस ने चकमो आपी भागी गयो हतो। त्यार बाद पुलिस ने आरोपी ने फिल्मी ढबे पीछो कर्यो अने बरनाला पासे थी फरी कार ने कॉर्डन करी रोकावी हती, जे बाद पुलिस ने आरोपी ने कार माथी बाहर काढ्यो। हाथ में बंदूक साथ पुलिस आरोपी ने पकड़ी ने सीधो ज पुलिस स्टेशन लई गया। आरोप छे कि गांधी चौक पर थी जयरे आरोपी भाग्यो ते बाद तेने कुल 5 लोगों ने अड़फेटे लीधा हता। ते समग्र कार्यवाही दरमियान द्रोल पुलिस स्टेशन ना एक PSI पण इजाग्रस्त थया छे अने हाल समग्र मामले पुलिसे आरोपी विरुद्ध गुनो नोंधी तपास शुरू करी छे। सुरेन्द्रनगर ना मूड़ी तालुका में रोड पर के घर नी बहार बाइक के वाहनों सुरक्षित नथी। अहीं तस्करो एटला बेफाम बन्या छे कि पुलिस नो डर ज नथी, खुल्लेआम थोड़ा दिवसे वाहनों नी उठांतरी करे छे। त्यारे सुरेन्द्रनगर ना मूड़ी तालुका में बाइक चोरी नी घटना सामे आवी। दूधई गाम में डम्पर माथी उतरी ने एक शख्स घर नी बहार पार्क करेला बाइक नी चोरी करीने फरार थई गयो। बाइक चोरनी करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद थई, जेना फूटेज सामे आव्या छे। सीसीटीवी में जोई शकाय छे कि बजार माथी एक डम्पर पसार थाय छे, जे आगळ जईने उभुं रहे छे अने चोर डम्पर माथी नीचे उतरे छे। आ चोर लोकोनी नजर सामे एक घरनी बहार मूकेलू बाइक लईने फरार थई जाय छे। स्थानिको तेने रोकवानो प्रयास करे छे, परंतु चोर बाइक साथे फरार थवामां सफल रहे छे। लोकोनी नजर सामे बाइक चोरी करीने फरार थयेला चोर ने पकड़वा पोलीसे चक्रो गतिमान कर्या छे। ગુજરાતીઓનો સૌથી મોટો તહેવાર એટલે નવરાત્રિ, આ દિવસની તો ગુજરાતીઓ કાગડોળે રાહ જોઈને બેસ્યા છે। નવરાત્રિનો થનગનાટ શરૂ થઈ ગયો છે, લોકોએ તૈયારીઓ કરવાની શરૂ કરી દીધી છે, તો ગરબા પ્રેક્ટિસ માટે ડાન્સ ક્લાસ ધમધમતા થઈ ગયા છે। આ વચ્ચે ખેલૈયાઓ માટે ચિંતાજનક સમાચાર આવ્યા, ખેલૈયાઓ પર મોટો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે। નવરાત્રિમાં ગરબા રમતા સમયે સાવધાની રાખજો, નબળા હૃદયના લોકો પર મસાલે ખાવ ડબલ ખિલાવ ડબલ।